हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भिन्नों का गुणा एवं भाग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक देखा है भिन्नों का जोड़ और घटा, आज देखें गुणा और भाग। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, 5 सहित 3/7 इंटू 6 सहित 2/9। हमें इन दोनों का गुणा करना है, ये बटे की संख्याएं हैं, आप देख रहे हैं। तो पहले ये अभी मिश्र भिन्न के रूप में है, अभी हम इसको साधारण भिन्न के रूप में करेंगे। तो क्या करेंगे, 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 38 इंटू हो जाएगा आपका, हो जाएगा 56, 56 × 9। तो फ्रेंड्स, गुणे का ये एक पैटर्न होता है कि आप इन्हें तिर्यक तरीके से भी काट सकते हैं। जैसे कि अगर 9 से अगर 38 काट सकते हो तो आप काट सकते हैं, या 7 से 56 को काट सकते हैं तो काट सकते हैं, या फिर ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसे 7 भी कटे और 56 भी कटे। तो देखिए हमारे यहाँ पे हम 7 को काट सकते, हम 7 से 56 को काटते तो हमारा 7 × 8 = 56, ये 8 बार चला गया सीधे सीधे। अब ये नहीं कट रहा है, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 38 × 8। यानी कि गुणे में होता है क्या, पहले आप ये देख लीजिए, गुणे में होता है कि हम अगर दो भिन्नों का गुणा करना है तो 38 जैसे यहाँ पे है 38 = 56, 38 और 56 का आप गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 7 और 9 का, यानी कि ये संख्याएं आपस में गुणे हो जाएंगी। तो हमने क्या, यहाँ 38 × 8 आ गया हमारा, ये आ गया 9। अब हम क्या करेंगे, इनका जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा 304/9, ये आ गया आंसर। बट ये ध्यान देना है कि ये हमारा अनुचित भिन्न के रूप में आया है और आंसर कभी भी इस रूप में नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, फिर यही क्रिया करेंगे, 304 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या क्या आ जाएगा, 9 × 3 = 27, हाँ से 3 ऊपर से 4, फिर कितनी बार जाएगा, 9 × 3 = 27, फिर आपका शेष कितना आया, 7। तो आपका इस आंसर क्या हो गया, 33 सही 7/9, ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा देखते हैं हम, भिन्नों के गुणे में आपको करना सिर्फ इतना है कि अंश का गुणा अंश में, भिन्न का और हर का गुणा हर में कर देंगे, केवल इतना ही करना है। हम दूसरी संख्या लेते हैं, देखिए अब यहां तो हमने यही किया, अब हमको जब 3 अंक मिलेंगे बटे में तो उनका क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सही 1/2 हम संख्या लेते हैं, 3 सही 1/3 इंटू 4 सही 1/4 हमने ये संख्या ली है, हमारा ये प्रश्न है। अब इसके पहले तो ये अनुचित मिश्र भिन्न में है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, साधारण भिन्न में। तो 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 5, 5/2 इंटू 3 × 3 = 9, 1 = 10, 10/3 × 16 = 17, 17/4, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, हमने कहा कि तिर्यक तरीके से हम इसे काट के जितना सरल बना सकते हैं बना लेंगे, अन्यथा आपको करना क्या, अगर आप ऐसे पहले ये समझ लीजिए, आप एक पैटर्न करना क्या है, 5 × 10 × 17 / 2 × 3 × 4 जो भी आता है वो आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन हमको छोटा करना है, छोटा करने के लिए क्या करेंगे, तिर्यक तरीके से काट सकते हैं। जैसे देखिए 2 और 10 कट रहा है, 2 से हम कटेंगे 2, 2 × 5 = 10, फिर हमारा ये तो हमने ये तरीके से देखा था, जब तक छोटा कर देंगे तो हमको गुणा करने में इजी होगा, बट ये गुणा करना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो देखिए आपके आई संख्या क्या बचता है, आपका 5 × 5 × 17 / 3 × 4, क्योंकि ये 2 तो पूरी तरह से कट चुका है। फिर इतने का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम 10 × 5 = 25 और 25 × 17 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 425 / 4 = 12, ये आ गया हमारा आंसर। बट अभी भी देखिए ये अनुचित भिन्न के रूप में है, तो मैंने कहा अनुचित भिन्न के रूप में आपका आंसर कभी भी नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, फिर वही पैटर्न अपनाएंगे, 425 / आप क्या करेंगे 12, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 × 3 = 36 काटेंगे तो हमारा शेष आएगा 6, 5, फिर आगे हमारा 65, तो 12 × 5 = 60, 5 ही आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसको यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या के रूप में, शेष हमारा ऊपर जाएगा और जो ये भाजक है वो हमारा नीचे, यानी कि ये आ गया हमारा 35 सही 5/12, ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब देखिए गुणा क्या करना है, गुणे में आपको क्या करना, ये तो हमने गुणा कर लिया, भाग में देखिए क्या करना है, हम एक संख्या लेते हैं भाग, भाग में टोटल गुणा ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे हम लेते हैं 5/9 / 25/27, हमने ये संख्या ली। देखिए भाग में आपको संख्या, यहाँ पे निशान को चेंज करेंगे
और यहाँ पे संख्याओं का स्थान चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम 5/9 लिखेंगे और भाग के जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये जान लीजिए भाग की जगह हम गुणा करेंगे, ये बटे में बटा जाता है, जिसकी वजह से ये बटा वाला संख्या ऊपर चली जाती है और फाइनली होता क्या है, इनटू का ही प्रोसेस पूरा रह जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने भाग को गुणे में कन्वर्ट कर दिया और संख्याओं का स्थान बदल दिया, यानी कि जो 25/27 है उसको हमने 27/25 कर दिया। अब हमको करना क्या है, 5×27/9×25 ये क्रिया करनी है, बट हम इसको यहीं पे छोटा कर लेते हैं काट के, 5 से काटेंगे 5 पूरी तरह से कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 5। आपका आंसर क्या आएगा, यही प्रोसेस होगा, थोड़ा सा काटने पीटने में गुणा भाग में थोड़ा लंबा आएगा। तो 9×3=27, ये भी कट गया, देखिए 9 और ये 5 कट गया, आपका यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे फाइनली आंसर क्या है, 3/5, ये आपका हो गया आंसर। अगर ये आप गुणा करते तो आपका गुणा थोड़ा लंबा जाता, फिर भाग की क्रिया थोड़ी लंबी आती, लेकिन यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली तिरछा काट देने की वजह से हमारा आंसर ये आ गया। अब देखिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला हम सवाल लेते हैं 8/13/192/500, ये हमने ले लिया, सवाल है ये हमारा। अब इसमें भी यही क्रिया करेंगे हम, 8/13 ज्यों का त्यों रहेगा, भाग की जगह हम गुणे का निशान बना देंगे और संख्याओं को पलट देंगे, 5×5=9 यानी कि 559/192। अब हम देखेंगे अगर हमारी संख्या तिर्यक तरीके से कट सकती है तो इसको हम काट देंगे, यहाँ से इसको काट सकते हैं यहाँ पर, और या तो फिर ऐसी संख्या को चुनाव करेंगे जिससे ये और ये संख्याएं कटती हों, या ऐसे इससे और ये कटती हों। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सी संख्या लेते हैं, ये 8 है हमारा, हम इसको काटेंगे तो 8 × 16 फिर कर देंगे 8×3=24, 8×32 ये आ गया हमारा 24, और यहाँ पे इसको काटेंगे 13×13=52, 13×52 और 13×3=39 ये कट गया, और हमारा देखिए ये भी पूरा कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या हमारे पास 43/24। अब देखिए आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अनुचित भिन्न फिर इसे कन्वर्ट करेंगे। आपको अगर आता है तो अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली वहां पे वही क्रिया कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे फिर यही क्रिया अपनानी पड़ेगी। 13 में से 4 गया तो आपका आया 9 और यहाँ पे 9 आंसर आपका आ जाएगा 1×19/24, ये आपका आ गया आंसर। तो फ्रेंड्स भिन्नों का गुणा और भाग सिर्फ इतना इजी है कि आप देख ही रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।